धनतेरस पर घर ले आए, इनमें से कोई एक चीज कभी नहीं होगी धन की कमी। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदारी से धन समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी पर ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तभी से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक के बिना दिवाली संभव ही नहीं है। धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदे, मिट्टी के तीन बड़े दीपक भी जरूर खरीदे, इन्हीं के प्रयोग से दिवाली की पूजा होगी। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा। दूसरा बड़ा सरसों के तेल का दीपक माँ काली के लिए होगा, जबकि तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल बन सके। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। धनतेरस के दिन ही इनकी मूर्तियाँ खरीद कर ले। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश की सूंड बाई तरफ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। मूर्तियाँ बहुत बड़ी न हो और मिट्टी की बनी हुई हो। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। यह कई रंगों का होता है। इसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। यह रत्न की तरह अंगूठी में भी पहना जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 गोमती चक्र खरीदे। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन उसे धन के स्थान पर रख दे। कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खोल है। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदे। दिवाली के दिन इन कौड़ियों से विशेष पूजा करे। इससे अविवाहितों का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है और इसी चांदी की वस्तु से दिवाली का पूजन किया जाता है। जो भी चांदी की वस्तु दिवाली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर सहज कर रखा जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर 2 झाड़ू जरूर खरीदे। इनका प्रयोग दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन से करे। पुरानी झाड़ू को दिवाली के अगले दिन घर से बाहर कर दे। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। घर से पुरानी झाड़ू निकाल देने से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। धनतेरस के शुभ अवसर पर किसी भी धातु का बर्तन जरूर खरीदे। ज्योतिषविदों के मुताबिक पानी का बर्तन हो तो और ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते तो कोई बर्तन खरीद लीजिए। धनतेरस पर एक चम्मच खरीदना भी फलदायी माना जाता है, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इसे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस दिन धनिये के बीज खरीदने की भी परंपरा होती है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिये के बीज लक्ष्मी माँ को चढ़ाए जाए और पूजा के बाद किसी बर्तन या बगीचे में धनिये के बीज बो दे। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखे। धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि धनतेरस के दिन आपको आपकी इच्छा शक्ति अनुसार कौन सी चीज खरीदनी है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।